के सामने में वन की सीरीज का स्क्वायर के पैटर्न बताती हूँ। अब देखो, जब हमारे पास 11 है, यानी कि 2 1 है, 2 टाइम्स, ठीक है, इसका जब हमने स्क्वायर निकालना है तो क्या से निकलेगा? ये दो है ना, 1 2 तक लाओ, फिर इसको 1, दिस इज योर स्क्वायर ऑफ 11। अब आप देखो, यदि हम 3 1 ले लें, इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर क्या निकलेगा? इजी मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसका स्क्वायर 3 1 है ना, तो आप काउंट करो 1 2 3, उसके बाद 2 एंड 1, ये आपका इसका स्क्वायर निकला। अब यदि आपके पास 4 टाइम्स 1 है, इसका आपने स्क्वायर निकालना है, तो ये कैसे करेंगे? 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ये आपका आंसर आ गया। इजी है ना? तो कितना भी कर लीजिए आप, हम सोच लीजिए हमारे पास 5 1s हैं, इसका हमने स्क्वायर निकालना है, तो कहाँ तक ले जाएंगे? 1 2 3 4 5, फिर वापस 4 3 2 1, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आप मैम वन क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इज दैट द मैक्स नंबर इट कैन गो, बिकॉज़ देयर आर 5 1s, सो द मैक्स नंबर कैन ओनली बी 5, टोटल 5। अब ओके इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, अब ये है अंडर रूट 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, तो इसका जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये क्या नंबर हमें मिलेगा? सीरीज ऑफ वन, सीरीज ऑफ वन, फाइव है। वन अब हमने प्लस करना है, प्लस कितना कर पाएंगे? ये अंडर रूट है 1 2 3 4 3 2 1, सो दिस विल बी 1 1 1 1, और ये वाला है अंडर रूट 1 2 3 2 1, सो इट विल बी 1 1 1। अब इसको हम ऐड करें तो 3 3 3 2 1, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? ठीक है, तो ये आपको, अब जब आप पैटर्न समझ जाते हैं तो करना कितना आसान हो जाता है, और यदि पैटर्न ना समझें और सोचें कि इनके हम रूट निकाल कर इनको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है। मैम बहुत मजा आया, वेरी गुड, बहुत मजा आया मैम। मैं बताऊं, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना, आप जब कुछ चीज पढ़ाते हो ना तब आप उसको पूरा समझ जाते हो। ओके।